हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? और सब घर पे ठीक ठाक हैं मम्मी पापा? तो भाई, अनलॉक टूल क्या कर रहा है यार? इतना ज़बरदस्त अपडेट देता रहता है कि मतलब ये समझो कि आदमी अनलॉक टूल का फ़ैन हो चुका है और आने वाले टाइम में शायद अनलॉक टूल टॉप नंबर वन पे पहुँच जाए। मतलब ये लगा लो कि जितनी भी कोई नई अपडेट आती है किसी से भी रिलेटिव, वो आपको अनलॉक टूल में मिलती है सबसे पहले। जब उसके बाद आपको चाहे उसके हेड्रा में मिले, चाहे UMT में मिले, चाहे MRT में मिले, या किसी और अन्य टूल में मिले, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। मैं कह सकता हूँ कि आप इसे आँख मीच के परचेज कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी डाइट के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, थोड़ा और अच्छा हष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त बनने के लिए, चुस्ती फुस्ती के लिए, जैसे अब हम खाना तो खाते ही हैं पर थोड़ा और मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ी डाइट और अच्छे से लेना, जैसे दूध दूध में और आप क्या बोलते हैं उसे छुहारे गिर के ले सकते हो, कुछ और भी ऐसे। जैसे आपके पास UMT है, MRT है, तो एक अनलॉक टूल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप परचेज करो या कुछ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा कि कुछ आप ये समझते हो कि आपकी दुकान से कस्टमर थोड़े वापसी जाते हैं, और जो कोई नई टूल की अपडेटिंग होती है, कोई नया फ़ोन अपडेट आता है, तो वो अनलॉक टूल में देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो प्लान होता है 3 महीने का, 6 महीने का, 12 मंथ का होता है, ठीक है। तो आप इसे बाय कर सकते हो, कोई आसान सा तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपडेट देने से पहले मैं सबसे आपको बताऊँगा सबसे पहले कि इसे रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। चलो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप यूजर नेम डाल सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे, जो कुछ मन करे आपका, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया जो मतलब अगर जैसे अजय नाम मेरा है, अगर कोई और यूजर नेम अजय डालेगा तो नहीं होगा एक्टिवेट, ठीक, मतलब नहीं लेगा। तो आपको नेम डिफरेंस डालना, जो आपका नाम हो या कुछ हो, कुछ यूनिक्स नेम जो अलग डिफिकल्ट हो, ऐसे करके। जैसे ठीक है, मैं डाल देता हूँ अजय, AJAY अजय, और मैं पीछे लगा देता हूँ, कितना लगा देता हूँ, 7988, ये मैंने लगा दिया। और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी कर देता हूँ, जैसे टेक्निकल मैथिल, ये मेरी जीमेल आईडी है, अजय जो अजय स्टार्लिंग है उससे ही पहले मैंने कर रखी है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे पासवर्ड क्या रखना, पासवर्ड आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो। एक बड़ा मतलब एक जो फर्स्ट का अक्षर है वो बड़ा रखना, बाकी छोटे रखने, और पीछे आप अपना नाम @ कुछ भी लगा सकते हो। जैसे अब मैं ए बड़ा करके, ए बड़ा हो गया, AJAY अजय, और ये जैसे हो गया मेरा, और मैंने उसमें डाल दिया और लास्ट में लगा दिया @, ठीक है। जो पासवर्ड मैंने ऊपर लिखा वही पासवर्ड मुझे को नीचे लिखना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट होता नहीं होता, पासवर्ड लेता नहीं लेता, ये देखो क्रिएट अकाउंट हो चुका। ये हो गया हमारा लॉगिन, ये देख लो, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा अकाउंट आ गया। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, अकाउंट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो ये मेरा अकाउंट आ चुका, ठीक है। अब जब आपको इसमें एक्टिवेशन कराना 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, तो आपको जो ये है अजय 7988 टेक्निकल मैथिल @gmail.com, तो आपको ये प्रोवाइड करनी है सामने वाले को, ठीक है। तो वो आपको 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, ठीक है, वो एक्टिवेशन इसमें करेगा। और जैसा भी, अगर किसी भाई को बाय करना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता। तो अब आप सुन लेते हो कि अनलॉक टूल का जो इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। अनलॉक टूल का, अनलॉक टूल इंडिया के अंदर बेस्ट है, मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा। इसके इंडिया के अंदर बहुत सारे सेलर हैं, जो सेलर हैं, और नई जो अपडेट आती रहती है बहुत जल्दी आती रहती है। अभी जैसे देखो, अब मैं इस पे सेलर का नाम देखूंगा तो सबसे फर्स्ट में ही नाम लिखा आ जाएगा। जैसे ये वीवो के U10, Y50 सारे मॉडल जितने भी हैं रनिंग जो टॉप नंबर वन पे इसने दिए थे, वो सारे अपडेट आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, और एक चीज़ देखो, ये सेलर हैं, रजिस्ट्रेशन है, जैसे मुकेश राज इंडिया है, इंदौर है, पाकिस्तान है, इंडिया, और
बहुत सारे सेलर हैं जो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जैसा भी है। अब ये देखो, किसी भी टूल के अंदर, किसी भी टूल के अंदर आपको लिस्ट नहीं मिलेगी कि उससे कौन कौन से फ़ोन अनलॉक हो सकते हैं। मतलब जो UMT MRT उनके जो टूल हैं उनके पास कोई लिस्ट नहीं है कि हम कौन कौन फ़ोनों को अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये सारी लिस्ट अनलॉक टूल के पास है। देखो इसमें सारे चीज़ दे रखे, MT+, जो MT के जो मॉडल हैं ओप्पो रियलमी के, ये सारे मॉडल यहाँ पर मैंसन कर रखे हैं, ठीक है। और UFS चिप भी 2.1, ठीक है, वो भी कर रखी है। ये देखो ओप्पो के UFS 5G, वो भी कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और Xiaomi के हैं वो भी कर रखे हैं, Vivo के हैं वो भी कर रखे हैं, Qualcomm CPO के, ठीक है, Huawei के हैं वो भी कर रखे हैं यहाँ पे, और प्लस CPO Qualcomm का CPO, Meditech का, Samsung FRP के कुछ मॉडल दिए गए हैं इसमें, ठीक है, और Nokia की FRP भी दी गई है। बहुत सारे मॉडल हैं, शायद मैं आपको बता ना पाऊँ कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। और चलो यहाँ पे और देख लेते हैं एक बार, ये देखो ये सारी चीज़ यहाँ पे सारा टूल का मेंशन किया हुआ है। अब एक बात मेरी सुन लो, अगर आपके पीसी के अंदर, आपके पीसी के अंदर फ्लेक्सी हब इंस्टॉल है और आप इसे ओपन करने की सोचोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इस पे दिखा हुआ नोट अकाउंट लॉगिन 3 hours लेटा एंड चेंज PC, ठीक है, मतलब आपके जैसे अब मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ, अब मेरे को ये कंप्यूटर में चलाना, ये डोंगल की तरह नहीं है कि डोंगल में लगा दिया, डोंगल इस PC में लगाने के बाद दूसरे PC में लगा दिया, तीसरे PC में लगा दिया, चौथे PC में लगा दिया, नहीं, ये एक PC में 3 घंटे तक का प्रोसेस है जब तक आप उसे ओपन करके क्लोज नहीं करोगे। जैसे आपने क्लोज कर दिया, अब क्लोज कर दिया आपने, तो 3 घंटे बाद दूसरे PC में लॉगिन कर सकते हो, और उस PC से अपने PC में आने के लिए 3 घंटे का प्रोसेस चाहिए आपको, ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। और अभी देखो अनलॉक टूल ने एक नया अपडेट दिया है, ये बहुत सारी चीज़ें अनलॉक टूल अपडेट पे अपडेट देता ही रहता, कोई भी नया मॉडल अपडेट करता वो उस मॉडल की लिस्ट बनाता और अपडेट कर देता। एक चीज़ देखो, अभी आप इसमें देख रहे होंगे 2021 सातवां महीना 2 तारीख को एक अपडेट दिया था, सॉरी ये वर्जन है इसका, वर्जन डेट के हिसाब से मेंशन है, 3 तारीख को इसका सातवें महीने में 3 तारीख को लॉन्च हुआ था, 8:31 पे ये नया अपडेट आया था, ठीक है, इसी महीने में 3 तारीख को, आज तारीख कितनी है 13, 10 दिन बाद दोबारा से अपडेट आ गया, ये देखो, ठीक है, 7:15 AM ये आज की डेट में आया है अपडेट। अब इसमें अपडेट क्या क्या दिया, इसमें ओप्पो का स्पेशल दिया, जो डेमो फ़ोन होते हैं ना ओप्पो रियलमी के फ़ोनों पे, जो लिखे मतलब शोरूमों पे लगे होते हैं ना, जो एक चेक कराने के लिए दिखाने के लिए, उन वो डेमो फ़ोनों को भी आप यहां से इनेबल कर सकते हो, वो डेमो हटा सकते हो यहां पे, जैसे Y20 है, V20 है, V20 है, इसमें कई मॉडल हैं, और ट्राई अदर्स मॉडल वो भी दे रखे हैं, ठीक है। इसमें और क्या अपडेट दी गई है, वो भी स्टार है इस जगह, ठीक है, आईटेल के यार देखो कितने सारे मॉडल हैं, ठीक है, और सैमसंग की भी FRP का वो कुछ मेंशन कर दिया, और कुछ बग थे वो भी फिक्स कर दिए। तो ये सिंपल सा, अगर आपको डाउनलोड करना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं यहाँ से नहीं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, तो हमने डाउनलोड करके रखा, उसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप देख रहे होंगे ना, ये मैंने 3 तारीख को डाउनलोड किया, और ये 3 तारीख का मतलब वर्जन का फर्क देख सकते हो। तो मैं इसे करता हूँ रन यहाँ से, इस पे लिखा आ गया यू आर यूजिंग दिस लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, मैं इसे करता हूँ लॉगिन, ये मैंने यहाँ से किया लॉगिन, अब ये देखो ये अनलॉक टूल का फेस है, आपने देखा होगा बहुत जगह। अब ये देख लो पूरी सारी चीज़ इसमें आती हैं। इसमें एक चीज़ और सबसे पहले बता दें, इसमें आईफोन भी जेलब्रेक हो जाता फ्री में, कोई चार्जेबल नहीं है उसमें, ठीक है,
कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री में हो जाता और कुछ वैसे मेंशन नहीं किया गया। बाकी अभी क्रेडिट का वैसे मेंशन है। अभी जो EFT प्रो डोंगल है और भी बहुत सारे टूल हैं, एक FMT टूल भी आया, उसमें क्रेडिट लग के अनलॉक वो होता तो उसका भी मेंशन होता। ठीक है, तो देखो MI, सैमसंग, हुवई, ओप्पो, वीवो और ये यार बहुत सारी मॉडल है, मैं क्या बात करूँ मैं आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी। और एक चीज़ और यार, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार वीवो को फ्लैश करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ किया जाए। अनलॉक टूल वाली जो सर्विस अगर मेरे को देख रही है तो इस चीज़ का भी मेंशन करो कि भाई इसमें किया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं मिलती वीवो के सेटों की फ्लैशिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं मैंने मेंशन कर दी हैं, आपको बता दिया है सारा कुछ। अगर किसी भाई को बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो कुछ भी जैसा भी है। देखो इसमें आईफोन की भी कुछ बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, डिसेबल, अपडेटिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ इसमें, बहुत सारा रिस्पॉन्स है अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से जेल ब्रेक कर सकते हो। MI के फ़ोन है, फ्लैश भी कर सकते हो यहाँ से। और सैमसंग के फ़ोन फ्लैश होंगे या नहीं होंगे वो भी देख लेते हैं। सैमसंग के फ़ोन भी यहाँ से फ्लैश कर सकते हो आप, फ्लैश हो जाएगा। हुवई का भी कर सकते हो आप। और ओप्पो की सर्विस के बहुत सारे हैं, फ्लैशिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें, और वीवो का भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब किया करो चैनल को और लाइक किया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अपडेट के मामले में आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही अनलॉक टूल के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।